हेलो एवरीवन, आज मैं मेरे बिज़नेस पार्टनर से मिलने आई हूँ जयपुर में। वैसे तो मैं मेरा पूरा बिज़नेस कोटा से ही करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि हम जिस बिज़नेस में हैं उसकी ब्यूटी यही है कि आप कहीं से भी बिज़नेस कर सकते हो। लेकिन नेट मार्केटिंग बिज़नेस में हम ऑनलाइन के साथ साथ में जब कभी कभी ऑफलाइन मीटअप्स करते हैं तो उससे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है। हालांकि ऑनलाइन में भी हम बहुत अच्छे से बिज़नेस कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी ऑनलाइन के साथ साथ में ऑफलाइन मीटअप करने से बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाता है, रेपो काफ़ी अच्छा बिल्ड होता है। सो इसीलिए मैं आज मिलने आई हूँ जयपुर मेरे मेंटोर से, मिस्टर शुभम रोहेला से। सो वेलकम मिस्टर शुभम रोहेला सर, शेयर कीजिए अपने बारे में। हाय हाय हाय, थैंक यू चंचल, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी, आप बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैमरा मैन को भी थैंक यू सो मच, इतनी धूप में हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं। सो बताइए चंचल, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। अभी तक तो बस ऑनलाइन ही मिले थे, तो बस ऑनलाइन में क्या होता है ना, बस फेस फेस दिखता है, कभी देखा नहीं क्या हाइट है, क्या कलर है, किस तरीके से लाइक गेस्टर्स होते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तो नया एक्सपीरियंस लग रहा है, थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ क्योंकि पहली बार मिल रही हूँ और आउटडोर शूट कर रही हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है नया। तो मतलब आप हमें ऐसा कह सकते हैं कि गिल्ली डंडा टाइप वाली फील आपको आ रही होगी, ऐसा लग रहा है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए तो बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। तो आपको क्या लगता है कि नेट मार्केटिंग बिजनेस में वीडियो का क्या इम्पोर्टेंट रोल है? आपको क्या लगता है कि वीडियो क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नेट मार्केटिंग बिजनेस में? देखिए जैसे अभी का जो बिज़नेस चल रहा है, जो भी बिज़नेस का सिनेरियो अभी चल रहा है, बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट वीडियोज़ आई थिंक, और वीडियोज़ आर द किंग राइट नाउ। मैं ये बिज़नेस की बात नहीं कर रहा कि आप खाली इसी बिज़नेस की बात करो, आप कोई भी बिज़नेस उठा के देख लो। अभी हमने कैफ़े में पिज़्ज़ा वगैरह खाया, क्या हमने इसके रिव्यू यूट्यूब पर नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते हैं, है ना? कैसे देख सकते हैं? थ्रू यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या होता है, वीडियोस होती हैं, तो वीडियो का जो इम्पैक्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ पर किसी भी कंटेंट के। एक तो कहते हैं हम माउथ पब्लिसिटी कर देते हैं, दूसरी माउथ पब्लिसिटी की ज़रूरत अगर आपको नहीं, आप नहीं कराना चाहते किसी भी बिज़नेस में, तो आप उनकी वीडियोस बनाना स्टार्ट करिए। सो ऐसे ही है, अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो गो विद वीडियोस। वीडियो कंटेंट हमेशा वायरल भी होता है और कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा कनेक्शन भी बिल्ड करता है हमारे सामने जो भी हमारे कस्टमर्स होते हैं। सो वीडियोज़ का इम्पैक्ट सच में बहुत अमेजिंग इसलिए भी होता है क्योंकि सामने वाला बंदा हमारे पूरे जेस्चर्स देख पाता है और एक्चुअल प्रॉपर फ्रॉम इनिशियल फेज टू फाइनल फेज क्या बॉडी लैंग्वेज है, सब चीज़ और किस तरह से वो प्रोडक्ट को पिच कर रहा है उस तरह से बता सकता है। अलॉन्ग विद दैट प्रोडक्ट की ए टू जेड क्वालिटीज़ अगर हम अपनी वीडियोज़ में बताएं तो डेफिनेटली हमारे सोल्ड आउट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो दो साल पहले मैं समझ गया था इस बात को कि वीडियोज़ आर द किंग, वीडियोज़ अगर आप अच्छे से बनाओगे तो डेफिनेटली आप किसी भी बिज़नेस को बूम कर सकते हो। अब बिज़नेस आया सामने नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग जब आया सामने तो सब बहुत अलग तरीके से बता रहे थे कि घर जाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है इसमें मेरे अपलाइन का भी कि वो सारा इस बिज़नेस को यूट्यूब की तरफ कर रहे थे या फिर कह लो वीडियोज़ के थ्रू कर रहे थे, और ना उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, ना उन्होंने मुझे किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया, फिर भी उन्होंने मेरे को क्लोज़ कर दिया। तो ये बात मेरे दिमाग में लगी यार कि सिर्फ वीडियो बना के बिना मार्केटिंग प्लान दिखाए, बिना कुछ भी प्रोडक्ट को पिच किए, अगर वो मेरे को क्लोज़ कर सकते हैं तो शायद मैं भी इस बिज़नेस को, मैं काफ़ी लोगों को क्लोज़ कर सकता हूँ। सो ये मेरी पूरी जर्नी है, अपने अपलाइन को देख देख के ही मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया और आज मैं किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ की वीडियो बहुत अच्छे से बना सकता हूँ और मुझे पता है जब चाहूँ जब रिजल्ट निकाल सकता हूँ जस्ट थ्रू वीडियोज़। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस।